A very good morning, BBPians. How are you all? All fine. Stay home, be safe. Class first. How are you all? Fine. Class first. In previous class, we discussed shapes. हमने shapes देखे थे. क्या क्या थे? Square, rectangle, circle. ये सब देखा था ना? Now triangle. Now class first. आज हम देखते हैं solid shapes. वो तो थे shapes. अब सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? कई बार हमने अपनी जनरली चीज़ों में कुछ चीज़ें देखती हैं, जैसे बॉक्स होता है, बॉल होती है, बर्थडे कैप होता है, हमारे घर का सिलेंडर होता है, इनको एक सॉलिड शेप्स बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप. देखो इधर कोन, जो बर्थडे कैप जैसी दिखती है उसे क्या बोलते हैं? कोन. क्यूबॉइड कोई बॉक्स है बड़ा बड़ा, किसका? उससे गत्ते से बना हुआ वो क्यूबॉइड होता है, जो बड़ा होता है, जो रेक्टेंगुलर जैसा दिखता है. और जो स्क्वायर जैसा दिखता है वो होता है क्यूब. स्पेयर जो बॉल. आप सर्कल और स्पेयर में कंफ्यूज मत होना, सर्कल अलग होता है, स्पेयर का शेप हल्का सा अलग होता है, ठीक है. और ये सिलेंडर जो हमारे घर के सिलेंडर जैसा दिखता है. नाउ ये तो क्या होगा बच्चों? सॉलिड शेप्स. फर्स्ट क्लास आपको समझ में आया, शेप्स आपको समझ में आए थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. सॉलिड शेप्स क्या है? कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, स्पेयर एंड सिलेंडर, ठीक है. नाउ ए, कोन क्या है? अब हम कोन के बारे में, जैसे हमने शेप्स के बारे में देखा था, अब कोन के बारे में हम देखते हैं. अ कोन हैज टू फेसेस. कोन के कितने फेस होते हैं? टू. एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है. इट हैज वन वर्टेक्स, इट हैज वन एज. इसकी वर्टेक्स कितनी होती है? वन. और एज कितनी होती है? एज कितना होता है? वन होता है, ठीक है. आपको ये समझना है, ठीक है. अब हम इसी तरीके से क्यूबॉइड की बात करते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूबॉइड हैज एट कॉर्नर्स. इसके आठ कोने होते हैं. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ. आठ कोने होते हैं. आप कोई भी गत्ता घर में देखना, ठीक है. इट हैज सिक्स फेस. इसके छः फेस, ऊपर नीचे सीधा उल्टा आगे पीछे, छः फेस होते हैं. ट्वेल्व एज. कितनी एज होती है? ट्वेल्व होती हैं. तो ईच फेज इज अ रेक्टेंगुलर. इसका हर एक फेज, हर एक टुकड़ा, जैसे बोला है इसके छः फेज हैं. इसका ये टुकड़ा रेक्टेंगुलर दिखेगा, इसका ये टुकड़ा रेक्टेंगुलर, इसका ये टुकड़ा रेक्टेंगुलर, इसका ये टुकड़ा रेक्टेंगुलर, इसका ये टुकड़ा रेक्टेंगुलर. इसके जितने भी फेज होंगे आपको कैसे दिखेंगे? रेक्टेंगुलर में. रेक्टेंगुलर क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं. फर्स्ट क्लास आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छे से सुनना है फर्स्ट क्लास, ठीक है. अब हम आगे ही और जो सॉलिड शेप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. थर्ड देखते हैं. अभी हमने क्या देखा था? क्यूब, क्यूबॉइड देखा था, कोन देखा था. अब क्यूब देखते हैं. क्यूब क्या होता है? सेम एज क्यूबॉइड जैसा ही दिखता है. क्यूब हैज एट कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स होते हैं? एट कॉर्नर्स, जैसे क्यूबॉइड में था. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. इट हैज सिक्स फेस. क्लास वर्ज इसके छः फेज होते हैं. मैंने आपको बताया था आगे पीछे ऊपर नीचे सीधा उल्टा, ठीक है. छः फेज होते हैं. इट हैज़ ट्वेल्व एज. इसके एजेस कितने होते हैं फर्स्ट क्लास? ट्वेल्व होते हैं, ठीक है. ईच फेज इज अ स्क्वायर. जैसे आपको क्यूबॉइड ने बताया था ईच फेज इज अ रेक्टेंगल, इसमें क्या है? ईच फेज इज अ स्क्वायर, ठीक है. ये रेक्टेंगल था, वो क्यूबॉइड, और ये स्क्वायर जैसा था. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड्स आर इक्वल फर्स्ट क्लास. नाउ स्पेयर. अ स्पेयर हैज वन फेज ओनली. इसका एक ही फेज होता है, गोल होता है, ठीक है ना. एग्जाम्पल लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है. नाउ सिलेंडर. अ सिलेंडर हैज नो कॉर्नर. इसका कोई कॉर्नर ही नहीं होता है, ठीक है ना. इट हैज थ्री फेज. इसके तीन चेहरे होते हैं, एक, दो, तीन, ऊपर, नीचे और आगे का, आगे पीछे मतलब एक, तीन होते हैं. इट हैज टू एज. इसके कितनी एजेस होती हैं फर्स्ट क्लास? टू एज होती हैं. Clear to you all? Now class first, listen this video carefully. आपको ये video अच्छे से सुनना है, because in this video we discuss solid shapes and their extras. Solid shapes के बारे में देखा था, solid shape क्या होते हैं और उनके बारे में हमने जाना. तो आपको ये video अच्छे से सुनना है. I hope आपने अपना work complete कर लिया होगा. नहीं किया है तो please complete your work. Till then, bye students, stay home, be safe. In next class we discuss next topic. Clear to you all? Stay home, be safe, children.